नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ निर्जला एकादशी पर किए जाने वाले दो ऐसे सरल और अचूक उपाय शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप अपने हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। चाहे आप कर्ज से मुक्ति चाहते हो, चाहे आप धन के स्रोतों को बढ़ाना चाहते हो, असीम धन की प्राप्ति करना चाहते हो, चाहे आप बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हो, या फिर आप शादी में रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो उससे मुक्ति पाना चाहते हो, तो आपको ये उपाय निर्जला एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी साल 2024 में 18 जून यानी मंगलवार के दिन पड़ रही है और निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे अधिक कठिन एकादशी है और इस प्रकार इस व्रत का फल भी सबसे ज्यादा है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में 24 एकादशी का वर्णन तो मिलता है जिसमें ये बताया गया है कि 24 एकादशी अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप इन 24 एकादशियों का फल प्राप्त करने के लिए केवल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत कर लीजिए। इससे आपको समस्त यानी 24 एकादशियों का फल एक साथ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, यह व्रत निर्जला एकादशी का जो उपवास है वो सबसे ज्यादा कठिन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन आपको निराहार रहना होता है, बिना पानी के श्री हरि विष्णु के पूजन पाठ भजन कीर्तन और मंत्रों का जाप करना होता है। दोस्तों, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए इस साल जो निर्जला एकादशी पड़ रही है इस व्रत को आपको जरूर करना चाहिए और इस व्रत के साथ साथ आपको इस उपाय को भी जरूर करना चाहिए। इससे आपको असीम और अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। हेलो दोस्तों, मैं पूजा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। साथ में कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं उस दो छोटे लेकिन रामबाण उपाय के बारे में। दोस्तों, आपको निर्जला एकादशी के दिन तुलसी मैया की पूजा सेवा जरूर करनी चाहिए क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इसीलिए एकादशी के दिन जो व्यक्ति तुलसी माता की पूजा अर्चना करता है, विधि विधान से उनकी पूजा करता है, उनके सामने मंत्रों का उच्चारण करता है, क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति तुलसी माता की पूजा अर्चना करता है उस पर माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा बनी रहती है और वो अनंत गुना फलों को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आपको निर्जला एकादशी के दिन करना क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, आपको निर्जला एकादशी के दिन, वैसे तो प्रत्येक एकादशी के दिन तुलसी मैया की पूजा करना चाहिए, उनको जल अर्पित करना चाहिए, धूप दीप पुष्प से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और शाम के समय तुलसी मैया के सामने घी का दीपक जरूर चलाना चाहिए जो कि बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, जब आप निर्जला एकादशी के दिन ये उपाय करते हो तो आपको बिल्कुल ठीक तरीके से करना है जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, अब मैं जो आपको तरीका बताने जा रही हूँ, आपको निर्जला एकादशी के दिन ऐसे ही तुलसी मैया की पूजा करनी है। आपको गाय के घी का दीपक तुलसी माँ के सामने जलाना है और उनके सामने ही बैठकर भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करना है, वो भी 108 बार यानी एक माला। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। तुलसी मैया की कृपा आप प्राप्त करने के लिए आपको इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन जो भी इस मंत्र का जाप करता है उसको हर इच्छा उसकी पूर्ति होती है, उसकी मनवांछित फल उसको प्राप्त होता है। तो तुलसी मैया के सामने आपको बैठकर दिया जलाना है और इन मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद आपको पूजा करने के बाद तुलसी मैया की 11 बार परिक्रमा करनी है। आपके घर में सुख समृद्धि शांति, इसकी अगर आप वृद्धि करना चाहते हो तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस निर्जला एकादशी के दिन इस उपाय को जरूर याद करना और इस उपाय को जरूर करना, इससे आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। अगर बात करें दूसरे उपाय की तो दोस्तों, आपको निर्जला एकादशी के दिन जल का दान, जल का भंडारा और जितना हो सके आप लोगों को जल पिला सके,
निर्जला एकादशी के दिन जल का ही विशेष महत्व है, इसीलिए आप व्रत रखते हो तो आप तो जल नहीं पी सकते, लेकिन आपको दूसरों को आप जितना अधिक जल पिला सकते हो आपको उतना अधिक आपको जल वितरित करना है, भंडारा करना है, दान करना है। इससे भगवान श्री कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। आपको एकादशी के दिन जितना हो सके जल का दान करना है, क्योंकि एकादशी के दिन जल का ही बहुत अधिक महत्व है, तो आपको जल के कलश का दान इस दिन आपको जरूर करना चाहिए। जल से भरा हुआ कलश आपको दान करना है ब्राह्मण को या फिर किसी ऐसे जरूरतमंद इंसान को जिसे इसकी जरूरत हो। आप इस मटके को, जल से भरे मटके को मंदिर में भी रखवा सकते हैं, किसी सात्विक जगह भी रखवा सकते हैं, पानी से भरा जो कलश है ऐसी जगह रखवा सकते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा लोग ठंडे जल का सेवन कर सके और आपको अधिक से अधिक पुण्यों की प्राप्ति हो। अगर आप ये जो जल से भरा कलश है अगर आप ब्राह्मण को दान करते हैं तो मैं इसकी विधि आपको बता देती हूँ, तरीका बता देती हूँ कि आपको ब्राह्मण को दान कैसे करना है। आपको मिट्टी का कलश लेना है, उसको जल से भर लेना है। अब उस कलश के मुंह को कपड़े से बांध लेना है, फिर उस कपड़े के ऊपर आपको एक सफेद रंग का कपड़ा रखना है, फिर उस कपड़े के ऊपर आपको मीठा फल जैसे कि जो सीजनल फल चल रहे हैं तरबूज खरबूज या आजकल बहुत आम चल रहा है, आप ऐसे फल उस मटकी के ऊपर रख सकते हैं। इस तरह कलश पर कपड़ा और मीठा फल रख के किसी ब्राह्मण को आप दे आइए। ये निर्जला एकादशी के दिन मनवांछित फल देने वाला रामबाण उपाय है, जो इस निर्जला एकादशी को आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, इसमें कोई भी बंदिश नहीं है, कोई भी मनाही नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं कि क्या बच्चे नहीं कर सकते, बूढ़े नहीं कर सकते, कुंवारी कन्या नहीं कर सकती, या फिर ऐसा इंसान, ऐसी औरतें जिसका पति नहीं हो, विधवा न हो वो, तो ऐसे लोग भी इस व्रत को कर सकते हैं, इस उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि जो एकादशी का व्रत है या एकादशी से रिलेटेड उपाय है, ये केवल भगवान की पूजा अर्चना उनके स्मरण के लिए होता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है। जो भी दिन दान किया जाता है वो भगवान को अर्पित होता है, इसीलिए आपको ये उपाय कोई भी कर सकता है और करना ही चाहिए। इन सभी उपायों को आप बड़े आराम से पूर्ण भक्ति भाव से ही करें, आपकी कोई भी मनोकामना ऐसी नहीं होगी जो ये उपाय पूर्ण ना कर सके। आपकी हर इच्छा को, आपकी हर कामना को ये अवश्य ही पूर्ण करेगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये उपाय पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, अगर नए हो तो ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पर अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे।